टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्लियर अपना पेपर में जो इन्फॉर्मेशंस दिया है, जेईई मेन एग्जाम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट सो दैट इज जनवरी में होगा। क्लियर, अभी तक एनटीए ने कोई भी डिक्लेरेशंस नहीं दिया। ये सारे गद्दी मीडिया है, इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रहा है डे बाय डे, इसीलिए ये कुछ मार्केट में न्यूज में रहना चाहता है। ये इसका फर्स्ट मोटिव है। एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पूरा देश जहन्नम में जा रहा है। सारे गोदी मीडिया, सारे जो न्यूज़ चैनल का इम्पोर्टेंसी था वो ख़त्म हो गया। अभी सारे न्यूज़पेपर का भी इम्पोर्टेंसी ख़त्म हो जाएगा। क्लियर, इसीलिए उल्टा पुल्टा सारे न्यूज़ दे रहा है। एनटीएनए ने जो बताया, एनटीएनए ने कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया, कोई डिक्लेरेशंस नहीं दिया। मुझे जो लगता है आपका जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले 3 मंथ्स टाइम होता है। सो दैट मीन्स क्या, क्लियर, सो दैट मीन्स अप्रैल से पहले कोई एग्जाम्स नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप लोगों अच्छे ढंग से पढ़ाई करना। ऐसा करके आप लोग पढ़ाई करो जो 175 प्लस मार्क्स आ जाए। एनआईटी में सीएस पढ़ने के लिए आपको 175 प्लस मार्क्स होना चाहिए। इसीलिए मैं मैथमेटिक्स का ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर दे रहा हूँ। क्लियर, 20 चैप्टर दे रहा हूँ। क्लियर, इसमें 15 चैप्टर तो आपको करना ही है। क्लियर, आपका दिमाग में ये रखो, मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर, फिजिक्स से 12 चैप्टर, केमिस्ट्री से 20 चैप्टर आपको करना है। टोटल 100 चैप्टर का अंदर, सो दैट मीन्स आपको जो करना है 45 से 50 चैप्टर्स आप कर लोगे, आपको एनआईटी में सीएस मिल जाएगा। जैसा मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड देन इंडेफिनिट को नहीं पढ़ना। डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैथमेटिकल लॉजिक एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। नेक्स्ट क्या पढ़ोगे, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सेट रिलेशंस, फंक्शंस। ठीक है, तो 15 चैप्टर हुआ। अनदर जो 5 चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉग, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सर्किल, मैंने सारे कट छट करके ये सारे चैप्टर दिया है। मुझे जो लगता है यहीं से हर एक चैप्टर से तो क्वेश्चंस आएगा। सो दैट मीन्स क्या, आप कम से कम 15 चैप्टर्स अच्छे ढंग से करो, फिजिक्स का 12 चैप्टर करो, केमिस्ट्री का 20 चैप्टर्स करो। केमिस्ट्री जो पढ़ के जाओगे वही आएगा, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत 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 ज़्यादा मेहरबानी होगा। एनसीईआरटी को बाइबल समझ के पूरा रट लो। अभी इस उम्र में आप लोग पूरा रट सकते हो, अभी जो टाइम अवेलेबल है। सो दैट मीन्स आपका डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए, आपको एनआईटी सीएस में जाना है। सो दैट मीन्स क्या, आपको 175 प्लस स्कोर पाना है। सो दैट इज 45 से 50 चैप्टर्स अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लो। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, मेरे चैनल पे मैथमेटिक्स के लिए यंग माइंड मैथ सीरीज का एक वीडियो लेक्चर्स है, क्लियर प्लेलिस्ट है, इसमें 150 वीडियो लेक्चर्स है। हर एक चैप्टर्स का कंसेप्ट का साथ मैंने डिस्कस किया। आपको अच्छा स्कोर पाना है, कहीं जाना नहीं, घर पे बैठ के ये सारे वीडियो लेक्चर्स देखो। क्लियर, डेफिनेटली यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन जेईई मेन मैथमेटिक्स। फिजिक्स से 12 चैप्टर करो और केमिस्ट्री में 20 चैप्टर्स करो, देन टॉप एनआईटी आपको आपके लिए वेट कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग जेईई।